बस्मिलहिम अल्ला स्टूडेंट्स दिस इस महाजमी लेक्चर बॉटनी आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स uh, को अच्छी तरह से देख लिया होगा होप्सो so. और uh, उसके अंदर मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि अभी तक आपने मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप फ्रेंकली मुझसे पूछ सकते हैं खैर आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल प्लांट्स की कोऑर्डिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं हमने एनिमल्स की कोऑर्डिनेशन को जो है वो आज डिस्कस करना है एनिमल्स के अंदर जो है वो दो तरह की कोऑर्डिनेशन पाई जाती है नर्विस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन तो सबसे पहले हम नर्विस कोऑर्डिनेशन को देखेंगे कि नर्विस कोऑर्डिनेशन क्या है नर्विस कोऑर्डिनेशन में जो बेसिकली चीज़ इन्वॉल्व होती है दैट आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर नॉन एज न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व है नर्वस कोऑर्डिनेशन बनाने में दे लिंक टुगेदर डायरेक्टली और वाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू फॉर्म द नेटवर्क दैट कनेक्ट द सेल और ऑर्गन विच रिसीव स्टीमूलाय एंड विच रिएक्ट और रिस्पॉन्स तो कहते हैं कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है uh, उसके अंदर जो बेसिकली चीज है वो न्यूरॉन्स है न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जाती हैं या आपस में लिंक कर रही हैं या फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जो है वो आ, मिल रही हैं अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं एक हमारे पास आता है ब्रेन और एक हमारे पास आता है स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दो चीज़ें जो है वो आ जाती हैं ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है तो न्यूरॉन्स uh, जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी लिंक्ड हैं ब्रेन के साथ भी लिंक्ड हैं इसके अलावा दे आर ऑल्सो लिंक विद द स्पेशल सेल्स कुछ ऐसे सेल्स हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उन सेल्स को हम कहते होते हैं रिसेप्टर्स और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो रिएक्शन करवाते हैं रिस्पांस करवाते हैं और जो रिस्पांस करवा रहे होते हैं उनको हम कहते होते हैं इफ़ेक्टर्स तो uh, इसका मतलब है कि नर्वस कोर्डिनेशन में हमारे पास चार चीज़ें हैं एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम Uh, जो कि बेसिक है ब्रेन वगैरह आ गई हैं और एक हमारे पास आ जाती हैं न्यूरॉन्स आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही न्यूरॉन्स को कह सकते हैं क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कम्पोज ऑफ थ्री यूनिट्स न्यूरॉन्स हैं रिसेप्टर्स हैं और इफेक्टर्स हैं द न्यूरॉन्स हैज द कैपेसिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स विच ट्रैवल अक्रॉस द साइन एंड पास थ्रू द रिसेप्टर्स टू इफेक्टर्स ब्रिंग अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन तो जो न्यूरॉन्स हैं उनके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर सकती है नर्व इम्पल्स को ट्रैवल करा सकती हैं नर्व टू नर्व न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रैवल करा सकती हैं दो न्यूरॉन्स के दरमियान एक गैप आता है उसको हम कहते होते हैं साइन ऐप्स वो अगले टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइन ऐप्स के अंदर से आ, किस तरह से जो है न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स जाती हैं वहाँ से वो रिसेप्टर से इफेक्टर तक जाती हैं इसके अलावा होता ये है कि पाथवे अगर आप देखें तो सबसे पहले स्टिमुलस को रिसेप्टर ने लिया रिसेप्टर उसको नर्वस न्यूरॉन्स uh, के ज़रिए नर्व इम्पल्स के शक्ल में मूव कराता कराता सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वाफर्स इफेक्टर तक आता है और फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं तो इस हिसाब से नर्वस सिस्टम के हमारे पास तीन हिस्से हैं रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स सबसे पहले uh, हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स क्या है न्यूरॉन फाइबर्स एंड सेल बॉडीज कैन बी एक्साइटेड बाय स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक मकैनिकल केमिकल लाइट एंड टम्परेचर स्टीमूला है तो रिसैप्टर जो हैं वो किस किस्म के स्टीमुलस uh, को रिसीव कर रहे हैं हर तरह के स्टीमूलस को चाहे वो इलेक्ट्रिक शॉक की शक्ल के अंदर है चाहे कोई मैकेनिकल स्टीमूल्स है चाहे कोई केमिकल स्टीमूलस है चाहे कोई लाइट है या टम्परेचर जो भी है उस हिसाब से रिसेप्टर जो है उसको रिसीव करते हैं रिसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन द एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ़ द एनिमल रिसेप्टर में सेल रिसेप्टर में न्यूरॉन एंडिंग इट मे बी अ रिसेप्टर ऑर्गन तो इस हिसाब से हम रिसेप्टर्स को कैटेगराइज करते हैं कीमो रिसेप्टर्स में ऐसे रिसेप्टर्स जो केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे मैकेनो रिसेप्टर्स ऐसे uh, रिसेप्टर्स जो के मैकेनिकल चेंजेस को करेंगे फोटो रिसेप्टर जो लाइट को करेंगे थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर को और रिसेप्टर ये अनडिफ्रेंशिएटेड एंडिंग है ये पेन को जो है वो डिटेक्ट करने का काम कर रहे होते हैं सबसे so, पहले हम बात करते हैं कीमो रिसेप्टर्स की कीमो रिसेप्टर्स जो हैं स्मेल टेस्ट और ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स को डिटेक्ट करते हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद हैं मकैनो रिसेप्टर दीज डिटेक्स टिमूला ऑफ टच प्रेशर हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। तो ये कौन से रिसेप्टर्स हैं दे आर द फ्री नर्व एंडिंग्स एक्सपेंडिड टिप एंडिंग्स और स्ट्रे एंडिंग्स हैं फोटो रिसेप्टर्स दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट फॉर एग्जाम्पल इन आईज रॉड्स एंड कॉन्स थर्मो रिसेप्टर दे आर फ्री एंडिंग दे शो रिस्पॉन्स टू कोल्ड एंड वार्म सर्दी और गर्मी का रिस्पॉन्स करवाते हैं नोसीप्टर जो है दीज आर दिफ्रेंशिएटेड एंडिंग एंड दे प्रोड्यूस देंशन ऑफ पेन अच्छा तो ये हमारे पास उसके आ गई इसके डिफरेंट टाइप्स इसके बाद कुछ जनरल सी क्वेश्चन हैं जैसे एक जनरल सा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि जो आ, हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं इनको कैसे पता चलता है कि किस किस्म का स्टिमुलस कराना है और किस किस्म का जो है वो रिस्पॉन्स कराना है तो यहाँ पर इन्होंने एक पैराग्राफ की शक्ल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ और उसके नीचे उन्होंने आंसर भी दिया हुआ है तो हम उसको देखते हैं

प्रॉपर सेंसेशन चाहे वो सेंसेशन पेन की है चाहे वो टच की है चाहे साइट यानी देखने सुनने की किस किस्म की है इन सेंसेशन को हम मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन का नाम देते होते हैं तो आगे वो क्वेश्चन करते हैं कि हाउ इज़ इट दैट डिफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट डिफरेंट मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन कि कौन से बॉडी के पार्ट को पता चलेगा कि कौन सी मॉडलिटीज़ ऑफ सेंसेशन के हिसाब से रिस्पॉन्स करवाना है तो उसका आंसर आपको दिया हुआ है कि ईच नर्व ट्रैक टर्मिनेट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द सी एन एस तो तमाम जो नर्व ट्रैक्स होते हैं तमाम जो नर्व वेंडिंग्स होती हैं ये हमारे ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के स्पेसिफिक एरिया में जाकर एंड uh, हो रही होती हैं और वो स्पेसिफिक एरिया जो होता है वो उस ही सेंसेशन के लिए क्लासीफाई uh, हुआ हुआ होता है जब आप ब्रेन uh, पढ़ोगे तो उसमें बताएंगे आपको कि जो फोर ब्रेन है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट और कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है तो जो पेन की सेंसेशन है वो ब्रेन के उस एरिया में जाकर एंड होती है जहाँ पर पेन को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो एरिया मौजूद है जो टच की है वो टच वाले एरिया में जाती है तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि ब्रेन खुद ही उनको क्लासीफाई कर लेता है एंड द टाइप ऑफ सेंसेशन इज determined बाय द पॉइंट इन द nervous सिस्टम टू विच द फाइबर लीड सो टच stimulus इज कैरिड बाय नर्व इम्पल्स इन द टच एरिया ऑफ द ब्रेन सिमिलरली फाइबर्स from द आई टर्मिनेट इन द विजुअल cortex ऑफ द ब्रेन मोर ओवर ईच organ ऑर्गन स्पेशलाइज टू रिसीव पर्टिकुलर टाइप ऑफ द इसके अलावा हमारी बॉडी का हर ऑर्गन हर रिसेप्टर खास तरह की स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है जैसे आंखों का काम देखना है वो सुन नहीं सकती कानों का काम सुनना है वो देख नहीं सकते हैं इसी तरह से हमारी बॉडी के स्किन के ऊपर पेन के और टच के और प्रेशर के रिसेप्टर्स हैं साइट और के और हेयरिंग के रिसेप्टर्स मौजूद नहीं हैं तो तमाम रिसेप्टर्स जो हैं वो अपने हाँ, अपने लिहाज से प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई हुए हुए हैं अब आप इस येलो बॉक्स को देखें देर आर मैनी रिसेप्टर्स वी रिस्पॉन्ड टू द मकैनिकल कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन यानी हमारे इंटरनल ऑर्गन के अंदर भी जो चेंजेज आ रहे होते हैं उसके हिसाब से भी हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं जैसे एग्जाम्पल दी हुई है स्टमक वॉल के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद है विच में बी कंसर्न विद अराल ऑफ हंगर यानी जो हमें हमें भूख लगती है पेट में जो है जीप से एक दर्द उठता है भूख भूख से तो वो रिसेप्टर्स uh, जो हैं वो रह रहे होते हैं दे आर स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द कैरोटिड एंड एयोटिक आर्टरीज ऑफ द टेट्रापोड विच इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इसके अलावा जो हमारे पास टेट्रापोड्स हैं उनके अंदर भी स्पेशल किस्म के जो हैं वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं एंडिंग में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर फाउंड इन द ब्रेंकियल वेजल्स ऑफ द फिशिज इस तरह से फिश के अंदर भी स्पेशल मतलब कहने का मतलब यही है कि हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर भी रिसेप्टर मौजूद हैं इंटरनल कंडीशन को जो है वो कंट्रोल करने का काम कर रहे होते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है वर्किंग ऑफ सेंसरी रेफरेंस टू स्किन कि हमारी स्किन के साथ जो है वो कौन कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं इन द स्किन देर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी एंडिंग्स इन्वॉल्व इन टच स्टिमुलस रिसेप्शन तो हमारी स्किन में तीन तरह के स्पेशल जो है वो सेंसरी एंडिंग्स मौजूद हैं इन स्किन द रिसेप्टर्स आर कंसर्न विद एटलीस्ट फाइव डिफरेंट सेंसेस अब आपने इस चीज़ को कन्फ्यूज नहीं करना आपकी स्किन जो है वो पांच सेंसेस को डिफ्रेंशियट कर सकती है और उन पांच सेंसेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसमें तीन तरह की नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं ठीक है यानी अब वो पांच सेंसेशन कौन सी हैं टच है प्रेशर है हीट कोल्ड एंड पेन ये पांच सेंसेशन आपकी स्किन जो है वो सेंस कर सकती है और इनको करने के लिए तीन तरह की नर्व एंडिंग्स हैं अब वो कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं पहली क्या है ये आपके हेयर्स की बेस में मौजूद है हेयर एंड ऑर्गन रिसिव टच स्टीमलस यानी आपके हाथों पे पाओं पे जो बाल हैं आपकी स्किन के ऊपर जो बाल हैं जो इस तरह से उसके अंदर जो है यहाँ पर जो है टच uh, स्टीमलस को रिसीव करने वाली जो है नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं दूसरी टाइप है मिस uh, मिजनर कार्पस्कल्स मिजनर कार्पस्कल इन कैप्सुलेटेड एंडिंग्स हैं यानी वो कवर uh, हुई हुई होती हैं कहाँ पर मौजूद हैं विच लाई इन दैपली विच एक्सटर्नल एक्सटेंड इन टू द of ऑफ फिंगर टिप्स आपकी फिंगर टिप्स के अंदर जो हैं, वो है वो मौजूद होती हैं कार्पोस्कल कंसिस्ट ऑफ स्पायरल एंड मच ट्विस्टेड एंडिंग ईच ऑफ विच एंड इन नोब दे आर टच रिसेप्टर तो आप अपने हाथों से जैसे फिंगर से जो है किसी भी चीज़ को टच करते हो आपको पता चलता नहीं आप किसी भी कपड़े का फैब्रिक देखते हो छोटी सी एग्जाम्पल आप कपड़ा खरीदने के लिए गए हैं आप कपड़ा उठाते हैं आप उसका फैब्रिक को टच करते हैं उसके बाद फिर किस तरह से टच करते हैं आप अपनी फिंगर से टच करते हैं यानी कि टच करके चीज़ को महसूस करने की जो सलाहियत है वो आपकी फिंगर टिप्स के अंदर मौजूद है और उसके लिए मिजनर कार्पस्कल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं तीसरी टाइप है पेक्नीनियन कार्पस्कल्स दे आर सिचुएटेड क्वाइट डीपली इन द बॉडी यानी स्किन के अंदर डीपली मौजूद है दे आर ऑल्सो इन कैप्सुलेट न्यूरोन एंडिंग एंड रिसीव डीप प्रेशर स्टिमल जब आप जैसे आ, कोई हल्का सा आपके हाथ के ऊपर टच करें आपको इतना फील नहीं होगा कोई आपके हाथ को दबाएगा तो आपको उसका पेन भी सेंस होगा आपको उसका पता चलेगा कि किसी ने आपके हाथ को दबाया है तो उसको जो सेंस कर रही हैं वो पैक्नियन कार्पस्कल्स हैं दो इज लोकेटेड इन द लिम्स लिम्स का मतलब आपके हाथ और पाँव में प्रोबेबली फॉर्म आ बेस फॉर वाइब्रेशन सेंस द इंटेंसिटी ऑफ स्टीमुलस रिसीव वुड इधर बीज ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेड इम्पल्स और बाई मोर फाइबर्स कैरिंग द इम्पल्स टू सी एन एस तो जो स्टीमुलस की इंटेंसिटी है कि, uh, किस, uh, किस कितनी इंटेंसिटी का स्टीमुलस आ रहा है ये उसी हिसाब से जो है वो सी एन एस तक पहुँचता है चाहे वो रिपीटेड इम्पल्स uh, की शक्ल में पहुँचे चाहे वो डायरेक्ट जो है वो सी एन एस तक पहुँचे रिलेटिव अबंडेंस के यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन uh, बनता होता है कि व्हाट इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्किन तो uh, कौन कौन क्या रिलेटिव अबंडेंस है कि जो पेन रिसेप्टर्स हैं दे आर नियरली ट्वेंटी सेवन टाइम मोर अबंडेंट दैन कोल्ड रिसेप्टर आपकी बॉडी पे पेन रिसेप्टर कोल्ड रिसेप्टर की नस्पत सत्ताईस गुना ज़्यादा है एंड कोल्ड रिसेप्टर्स आर नियरली टेन टाइम मोर अबंडेंट द हीट और टेम्परेचर रिसेप्टर और जो कोल्ड रिसेप्टर हैं वो दस गुना ज़्यादा हैं हीट और टेम्परेचर रिसेप्टर के द रिप्टर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ओवर द इंटायर सर्फेस ऑफ द बॉडी यह इंपॉर्टेंट बात है कि रिसेप्टर्स जो हैं वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यह नहीं है कि अगर आपकी बैक है जैसे कमर है तो कमर पर पे जितने पेन रिसेप्टर होंगे उतने कोल्ड रिसेप्टर हैं और उतने नहीं ऐसा नहीं है डिफरेंट रीजनस के अंदर जो है वो डिफरेंट रिसेप्टर्स की अमाउंट है या फिर अबंडस हैं जैसे वो कहते हैं टच रिसेप्टर्स आर मच मोर न्यूमरस इन द फिंगर टिप्स दैन इन द स्कीिन द बैक यानी बैक में आपके टच इसेप्ट आपकी फिंगर टिप्स में ज्यादा है एज माइड भी एक्सपेक्टेड व्यू ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ दो पार्ट ऑफ द बॉडी ऑब्वियस बात है कि इसके फंक्शन के हिसाब से कि हम अगर किसी चीज़ को टच करना चाहेंगे तो हम अपने हाथों से करेंगे हम उसके ऊपर कमर नहीं लगेंगे दैट्स वाई जो है वो टच इसप्टर आपकी फिंगर टिप्स पर ज्यादा है द स्टिमुलस रिसिव्ड बाय द रिसेप्टर्स इन द स्किन विच आर द एंडिंग्स ऑफ द सेंस न्यूरोन इज पास टू द मोटर न्यूरॉन्स बाय इंटर और सेंस कहते हैं जो भी स्टिमुलस है पहले वो रिसेप्टर रिसीव करता है फिर उसके बाद वो वेंसी न्यूरॉन्स को देते हैं सेंसी न्यूरॉन्स जो हैं वो मोटर न्यूरोस के जरिए मैसेज को पहुँचाती हैं तो इन दौरान इस दौरान में वो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के पास भी जाता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रही है यानी कहने का मतलब है रिसेप्टर से, से सेंसी न्यूरॉन सेंसी न्यूरॉन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जिसने रिस्पांस देना है वहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन्स के जरिए वापस ही फैक्टर्स तक उसको पहुँचा दिया जाता है इस तरह से नर्वपल्स जो है वो ट्रैवल करती है यहाँ पर एक येलो बॉक्स है पेज नंबर फिफ्टी पर The reduction of vibration of the ground by terrestrial vibration vibrate is probably achieved by the receptor in the joints. तो so, uh, अक्सर हम जैसे नेशनल जोग्राफिक चैनल पर देख रहे होते हैं कि जैसे कोई हिरन खड़ा है या कोई जैब्रा वगैरह खड़ा है और uh, दूर से उसको पता चल जाता है कि उसकी तरफ कोई शिकार शिकारी जो है ना वो आ रहा है तो वो भाग पड़ते हैं कैसे जब कोई एनिमल भागता है भागता हुआ आ रहा है तो ज़मीन के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनके जॉइंट्स के अंदर ऐसे डिटेक्टर्स मौजूद होते हैं जो ज़मीन की वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं तो जैसे ही वाइब्रेशन होती है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उस वाइब्रेशन की इंटेंसिटी के हिसाब से उन अंदाजा हो जाता है कि किस किस्म की चीज़ उनके करीब आ रही है तो इस तरह से भी वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो ये था हमारा आज का टॉपिक इसकी जो असाइनमेंट है वो आपने करनी है कि इसके अंदर आपने ये जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा है रिसेप्टर का और नर्वस कोऑर्डिनेशन का इसमें से आपने पॉसिबल टेन शॉर्ट क्वेश्चंस ख़ुद बनाने हैं ठीक है आप वापस चीज़ को समझें कि इन इस जो हमने ये तो दो, दो तीन टॉपिक्स पढ़े हैं इनमें से आपने टेन शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं हर स्टूडेंट ने और उन टेन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर पहले आप क्वेश्चन खुद बनाएंगे और फिर उसके बाद आप जो है अपनी बुक को बंद करके उनको आंसर करेंगे और उसके बाद आप मुझे इसकी पिक्चर्स बनाकर सेंड करेंगे ताकि आपको पता चले कि ख़ुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉसिबल किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किसने सही क्वेश्चन बनाए हैं या नहीं बनाए ओके okay हो गया तो ये हमारा टॉपिक था पहले आप इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे इसको समझेंगे मुझसे क्वेश्चन करें अगर ग्रुप के अंदर वो बंद हुआ हुआ है आप लोगों का मैसेजिंग इस वक्त बंद हुई हुई है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और जैसे जैसे आप बनाते जाएं मुझे पर्सनल नंबर के ऊपर अपना व्हाट्सअप करते जाएं यानी ये टाइम उस टाइम का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि कब होगा कब आपका ग्रुप खुलेगा तो आप जो हैं पॉसिबल टेन क्वेश्चंस बनाएंगे और उनको फिर बुक को बंद करके ईमानदारी से उसके आंसर्स लेकर मुझे सेंड करेंगे ताकि फिर मुझे अंदाजा हो कि आपके आपके अंदर इतनी इबिलिटी है कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं ओके जी बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़